गाइस ये लोग अनाउंसमेंट कर दिए कि वेनम के साथ ये लोग का ऑफिशियल कोलैबोरेशन होने वाला है मंथ ऑफ अक्टूबर को। अभी जब आपका थीम मोड आ जाएगा तो आपको वेनम का कुछ भी चीज़ देखने को नहीं मिलेगा, बट मोस्ट प्रॉब्ली जैसे हम लोग का अक्टूबर मंथ आएगा तो सेकेंड फेज में हम लोग का गेम के अंदर एक वेनम हॉर्स भी आपको देखने को मिल जाएगा नॉर्मल हॉर्स के साथ साथ, और उसमें आप अटैक भी कर पाओगे। तो भाई लिटरली ये खेलने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और इवन वेनम का काफ़ी सारा सामान भी आपको देखने को मिलेगा जो कि मैं ऑलरेडी दिखा चुका था। तो गाइस अगर आपको 3.4 अपडेट डाउनलोड करना है ग्लोबल वर्जन का तो ऑलरेडी विदाउट वीपीएन वाला सेटअप आ चुका, मैं टेलीग्राम में अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपको डाउनलोड करके खेलना तो खेल सकते हो सकता है कि कुछ जगह में आपको दिक्कत हो सकता है, जैसे कि आप एक बार मेरा डाउनलोड सब हो चुका था, लॉगिन के टाइम एक जगह इशू हो रहा था, मेरा स्ट्रक हो चुका था। तो उस टाइम मैंने क्या किया कि सिंपली मैं सेटिंग में गया, प्राइवेट DNS को ऑन कर दिया, और उसके बाद आप देख पा रहे हो ऑटोमेटिकली ये गेम ऑन हो चुका है। उसके बाद मुझे कुछ भी VPN का जरूरत नहीं पड़ा, और डाउनलोड भी आप देख पा रहे हो सही स्पीड में ये डाउनलोड भी हो रहा है, ठीक है। तो अगर इन केस लॉगिन में प्रॉब्लम होता है DNS ट्राई कर लो, DNS से नहीं होता तो एक बार VPN लगा के भी आप ट्राई करके उसको बंद कर सकते हो, ठीक है। सेटअप में दे दिया, अगर खेलना खेल सकते हो, नहीं तो आप वेट कर सकते हो, ज्यादा दिन नहीं है, बीजामा के अंदर भी अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा। अपडेट आने के साथ काफी सारे स्किन्स आपको देखने को मिलेगा, तो उसका भी थोड़ा बहुत मैं आज आपको लिंक्स दिखाने वाला हूँ। वेल ये नेक्स्ट अपडेट में जैसे ही आप अपडेट करोगे बीजामा के अंदर भी एक और फीचर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आप देख पा रहे ये लोग इन्वाइट सेक्शन को टोटली चेंज कर दिए। इधर आपको इनवाइट फ्रेंड वाला भी ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा, ऐड फ्रेंड वाला, और उसके साथ साथ जो हम लोग अपना जो स्टेटस होता है ना जिसमें हम लोग स्टेल्थ मोड कर सकते हैं, डू नॉट डिस्टर्ब कर सकते, वो चीज़ को ये लोग गायब कर दिए। और उसके जगह आप देख पर एक सर्च बटन आ गया जिसमें आप डायरेक्टली अपने फ्रेंड का नाम लिख के आप सर्च कर सकते हो, बट जो हम लोग का स्टेटस या बोल सकते हो ऐड फ्रेंड था वो हम लोग को बॉटम में कर दिया गया। जैसे कि आप देख पा रहे हो सेट स्टेटस आपको बॉटम में देखने को मिल रहा था, इसमें आप क्लिक करके जो जैसे पहले आप डू नॉट डिस्टर्ब वैसे करते थे वो आप इधर से भी सेट करके कर सकते हो। उसका ऐड फ्रेंड वाला भी ये लोग नीचे कर दिए, तो इधर से आप ऐड फ्रेंड कर सकते हो, और नीचे में जो सेटिंग था ना उसको वो लोग क्या कर दिए इधर डाल दिए। इधर आप देखो सेट टीम इनवाइट इधर से कर सकते हो, लोकल टीम क्रिएट करना चाहते हो कोड तो आप इधर से क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आपको वो सेटिंग नीचे नहीं मिलेगा, आपको ऊपर ये इधर देखने को मिल जाएगा, और ये BGMI के अंदर जैसे अपडेट आएगा तो वो चीज़ आपको इधर भी इंप्लीमेंट होते हुए दिख जाएगा, ठीक है। तो इस अपडेट में भी हम लोग कोलैबोरेशन वाला कार आने वाला, इस बार स्पीड ट्रिप इवेंट में देखने को नहीं मिलेगा, नॉर्मल एक इवेंट फॉर्मेट में आपको देखने को मिल जाएगा। एक अलग ओपी रहा था 10 UC में भी आपको ये वाला विंटेज वाला व्हीकल्स मिल सकता है, ठीक है। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट पहले दिखा देता हूँ। तो इधर आप देख पा रहे हो जो स्पिन आने वाला है उसका फॉर्मेट कुछ इस तरह का होने वाला है, जिसमें आप देख पा रहे हो डेली का 10 UC का आप स्पिन कर पाओगे, उसके साथ साथ अगर आप 10 स्पिन करना चाहते हो तो 540 UC लगने वाला, ठीक है। कभी कभी बीजामा वाला क्या करते हैं कि एक क्रेट में डाल देते हैं, तो क्रेट नहीं तो स्पिन में आपको देखने को मिलेगा, बट स्पीड ड्रिप में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। सबसे पहला जो व्हीकल स्पिन आपको देखने को मिल रहा है VW कैफर 1200L येलो एडिशन, ये अगर आपका लक अच्छा रहा 10 UC में भी निकल सकता है, क्योंकि ये स्पिन में आपको देखने को मिल जाएगा, और ये क्यूट सा आपको देखने को मिल रहा है, ये टासिया है कि क्यूब है मुझे समझ नहीं आ रहा, शायद दासिया हो सकता है, ये आपको देखने को मिल जा रहा। उसके साथ साथ अगर आपको इसका अपग्रेडेबल वाला फॉर्म चाहिए तो सबसे पहले तो आपको इसका कार निकालना पड़ेगा, और उसके बाद आपको पेंट की जरूरत पड़ेगा, दोनों को कंबाइन करके आप ये एडिशन निकाल सकते हो जिसका नाम है क्रिएचर्स एडिशन। तो ये एडिशन काफ़ी प्यारा सा लग रहा है, उसी को कलर करके इस तरह का मॉडिफाई कर पाओगे, ये अलग से कार नहीं है वही कार को आप मॉडिफाई कर पाओगे, तो काफ़ी ठीक ठाक सा क्यूट सा आपको स्किन देखने को मिल रहा। सेकेंड जो आप देखो VW बीटल एडिशन, तो ये हम लोग का नॉर्मल वाला होगा, इसमें अगर आपको लक ओपी रहा तो 10 UC में भी निकल सकते हैं नॉर्मल एडिशन है, और इसको अगर आप अपग्रेड करना चाहते हो तो आपको ये कार का तो स्किन चाहिए, उसके साथ साथ आपको पेंट का भी जरूरत पड़ेगा इसको अपग्रेड करने के लिए। तो ये मॉन्स्टर वाला एडिशन भी आप देख पा रहे हो, इसको आपको अपग्रेड करके करना पड़ेगा। तो ओवरऑल आपको समझ आएगा कौन सा कॉन्सेप्ट में आपको स्पिन देखने को मिल जाएगा, और ये 20 तारीख को आपको गेम के अंदर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके साथ ये स्पिन में हम लोग एक आउटफिट भी होने वाला मिडनाइट असासिन सेट, तो इसका ग्लासेस प्लस इसका पूरा सेट देख लो कैसा लगा कमेंट करना, ये भी लेजेंडरी कैटेगरी का होने वाला, और वो ओपनिंग में आपको ये मिल सकता है, ठीक है। उसके साथ साथ आप देख पर ये हेलमेट आपको दिखाई दे रहा है, लाइट कोर हेलमेट लेवल 1 आपको देखने को मिल रहा, लेवल 2 एंड लेवल 3 आपको दिखाई देगा। तो इस बार तो हम लोग का वो अटैचमेंट वाला चीज़ आ ही चुका है हेलमेट में, जिसमें आप ये लिंक वाला को हटा के अपने हिसाब से ऑफ एंड ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप देख लेना अपने हिसाब से और इसको सेट कर लेना। उसके बाद हम लोग का बैकपैक भी आप देख पा रहे हो, जूमिंग बैकपैक लेवल 1 लेवल 2 एंड लेवल 3। बैकपैक का लुक थोड़ा सा अच्छा है, हेलमेट मुझे उतना पसंद नहीं आया, आउटफिट भी डिसेंट है। ऑर्नामेंट आप देख पा रहे हो, जूमिंग ऑर्नामेंट ये आपको देखने को मिल जाएगा क्रेट के अंदर, ये नॉर्मल UMP का स्किन भी आपको ये स्किन में देखने को मिलेगा, और एपिक कैटेगरी का ये वाला पैरासूट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ कुछ इंडियन बाइक्स भी आने वाला है, तो इधर आप देख पा रहे इंडियन स्काउट 101 आपको देखने को मिल रहा, बुलेट आपको देखने को मिल रहा काफ़ी नेक्स्ट लेवल लुक के साथ,
तो कमेंट करना ये कैसा लगा बाइक का। स्किन नॉर्मल स्किन है, कोई अपग्रेडेबल स्किन नहीं है बाइक। उसके साथ सेकंड बाइक आप देख पा रहे इंडियन FTR कार्बन, ये तो और भी नेक्स्ट लेवल लुक के साथ आपको देखने को मिल रहा। तो ये बाइक एकदम बोल सकते रॉयल वाला फीलिंग देगा जब आप ये बाइक को यूज़ करोगे। तो अभी ये कैसा आएगा पता नहीं, हो सकता कोई स्पेशल क्रेट में ही देगा इतना अच्छा लुक वाला, जब व्हीकल बनाया है तो डेफिनेटली क्रेट में देगा, स्पीड में तो उम्मीद कम ही रखो। ठीक है, तो ये दो व्हीकल आपको देखने को मिल रहा इंडियन का। तो ये ट्रेलर में आपको कंप्लीट लुक्स पता चल जाएगा जो जो हम लोग का अपग्रेडेबल स्किन आने वाला है। तो ये वाला कार 98 का फीमेल वाला जो आउटफिट देख पा रहे हो, जो अल्टीमेट कैटेगरी का आपको देखने को मिलेगा, ये आउटफिट होने वाला काफ़ी खतरनाक बोल सकते हो। पूरा पूरी हेलोइन थीम का आपको ये अल्टीमेट सेट देखने को मिलेगा। और लिटरली ये कार 98 का स्क्रीन देखो कितना नेक्स्ट लेवल आपको देखने को मिल। ठीक है, तो उसके साथ जब कार 98 का स्क्रीन चल जाएगा उसके बाद हम लोग का एक और अल्टीमेट सेट आने वाला है, और मेल कैरेक्टर के लिए वन ऑफ द बेस्ट अल्टीमेट सेट आपको देखने को मिलेगा। तो ये सेट खासकर जो मेल कैरेक्टर जिसको चाहिए उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि इसमें बियर्ड भी अवेलेबल है और काफ़ी लोग ये पसंद आने वाला है। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हो ये हम लोग को देखने को मिलेगा। ये आउटफिट क्या खतरनाक सा लग रहा है, और इसके साथ साथ ये ऑग भी आपको दिखाया जा रहा है। ऑग एंड कार 98 दोनों ही अपने जगह में नेक्स्ट लेवल है, और ये पूरा स्किन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये सेकेंड वाला अल्टीमेट होने वाला है, तो ये आपको मंथ ऑफ अक्टूबर में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और जो ऑनर स्पिन आपको देखने को मिलेगा इसका भी ट्रेलर देख लो, ये भी काफ़ी खतरनाक सा आपको लग रहा है। ऑनर स्पिन काफ़ी महंगा होने वाला है, इसलिए इसका लुक भी बाकी अल्टीमेट से काफ़ी खतरनाक ही होने वाला है। इसका आइटम भी मैं आपको भी 3D लुक दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये पूरा ट्रेलर आप देख लीजिए कितना खतरनाक आउटफिट, हॉर्स भी आपने देखा। पबजी का जो लेवल है ट्रेलर बनाने का वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। पहले का ट्रेलर अभी के ट्रेलर में जमीन आसमान का फर्क आपको दिखाया जा रहा है। एडवर्टाइजमेंट में काफ़ी खर्चा करता है ये लोग, टेंसेंट लोग। ठीक है, तो ये आप देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ हम लोग अभी एक एक करके पूरा देख लेते हैं कि ऑनर स्क्रीन में क्या क्या चीज़ आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो ये आउटफिट अभी देख पा रहे, आउटफिट अभी 3D लुक के साथ आया नहीं अभी, क्योंकि ये ऑनर स्क्रीन आने में अभी काफ़ी टाइम है। बट मैं आपको तो ट्रेलर में दिखाई दिया ये आउटफिट, हेडगियर आप देख पा रहे हो देखने को मिल रहा है। उसके बाद आप देख पा रहे ये हॉर्स आपको देखने को मिल रहा, तो ये हॉर्स भी आने वाला है, ये एक्सक्लूसिव हॉर्स स्किन होने वाला है, बहुत ही खतरनाक वाला स्किन आपको दिखाया जा रहा। उसके बाद अवतार आप देख पा रहे हो ऑब्वियसली एनिमेटेड होने वाला है अल्टीमेट कैटेगरी का। उसके साथ साथ हम लोग को फ्रेम भी देखने को मिल रहा, ये भी एनिमेटेड है क्योंकि ये भी अल्टीमेट कैटेगरी का है। तो भाई फ्रेम एंड अवतार नेक्स्ट लेवल है। टू बी ऑनेस्ट ऑनर स्क्रीन का जो हेलमेट एंड बैकपैक है ना, जिसका चांसेस है आपको 10 मिल सकता है, वो काफ़ी नेक्स्ट लेवल बनाया है इस बार। जैसे कि आप देख पा रहे लेवल 1 फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है भाई, वन ऑफ द बेस्ट मिथिक हेलमेट में से ये एक है, और ये काफ़ी अच्छा मुझे लगा। ठीक है, हेलमेट अगर मिल गया तो काफ़ी अच्छा है। और इसका लेवल 3 लुक देख लो भाई, इसमें थोड़ा सा एनिमेशन भी हम लोग को देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, उसका बैकपैक भी काफ़ी अच्छा आपको लग रहेगा, लेवल 1 आपको देखने को मिल जा रहा है। उसका लेवल 2 भी बैकपैक देख लीजिए, लेवल 3 आपको दिख पा रहा है, लेवल 3 का लुक ज़्यादा अच्छा है, और बैकपैक से ज़्यादा अच्छा हेलमेट लग रहा भाई। उसके साथ साथ ये लॉबी, तो ये लॉबी भाई ऐसे नहीं मिलने वाला, आप सबको पता ही है, आपको कलेक्शन पूरा करना पड़ेगा तब जाके ये लॉबी मिलेगा। ठीक है, आप देख पा रहे ये स्टिकर आपको मिल जाएगा। उसके साथ एक स्टैचू जैसा आपको चीज़ देखने को मिल रहा है। आप देख पा रहे ये हम लोग का इमोट होने वाला हॉर्स के साथ, आउटफिट के साथ काफ़ी अच्छा लगने वाला ये हॉर्स, जैसे कि आप देख पा रहे हो। उसके बाद एक और इमोट आपको देखने को मिल रहा, ओके, ये कैंडल वाला इमोट आपको दिखाई दे रहा। ये इमोट आप देख पा रहे हो कितना खतरनाक डेडलीस्ट लग रहा है। अगर आप गेंसिन खेले हो तो आर्ली किनो का वेपन आपको पता ही है, तो उसका जैसा लग रहा है। ठीक है, उसका रेड कलर का है, इसका वॉयलेट कलर का आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद आप देख पा रहे हो ये खतरनाक वाला ग्लाइडर आपको देखने को मिल रहा है। ये बेसिक लुक आपको देखने को मिल रहा है, इसका एडवांस फॉर्म तो और भी खतरनाक है, जो कि आप देख पा रहे हो इसमें तो भाई एक्चुअल में ड्रैगन का विंग्स आ जा रहा है। और उधर आप देख पा रहे हो काफ़ी नेक्स्ट लेवल ये बड़ा सा आपको ग्लाइडर दिखाई दे रहा है। ठीक है, हॉर्स का तो लुक मैं पहले ही दिखा दिया था, इधर आप देखो ये हॉर्स का लुक आप देख पा रहे हो। इसको आप वाव मोड में बाद में फ्यूचर में यूज़ कर पाओगे ये मोड जाने के बाद, और ये आप हमेशा के लिए रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद इसका बाइक का स्किन जो दिया गया है वो भी काफ़ी नेक्स्ट लेवल है। हालांकि इस तरह का एक बाइक का स्किन आने वाला है हम लोग का गिल्ट के अंदर, रिटर्न रिवॉर्ड में ग्रीन कलर का। तो अगर आपको ऑनर में, तो आपको पता है काफ़ी महंगा है, तो अगर आप ऑनर में नहीं निकाल पाते हो, ऑब्वियसली निकालने के बाद इसको आपको कलेक्शन पूरा करोगे तभी जाके आपको इसका अपग्रेडेबल वाला मिलेगा, नहीं तो भाई नॉर्मल वाला ही आपको मिलेगा। उसके साथ साथ प्लेन का स्किन भी आप देख पा रहे हो, ये भी हम लोग कलेक्शन कंप्लीट करने से मिल जाएगा। उसके बाद आप देख पा रहे हो कुछ और भी हम लोग का मिथिक आउटफिट भी आने वाला है ये ऑनर स्क्रीन में। मिथिक आउटफिट का हेडगियर आपको देखने को मिल रहा है, उसका आउटफिट जो देख पा रहे फीमेल कैटेगरी का काफ़ी ठीक ठाक सा लग रहा है। उसके साथ साथ एक और हम लोग को मिथिक आउटफिट देखने को मिल जाएगा। उसके साथ लिटरली नेक्स्ट लेवल इमोट आपको दिखाई दे रहा है, पंच वाला भाई, खतरनाक वाला ये इमोट आपको देखने को मिलेगा। एक और आउटफिट आप देख पा रहे हो ये व्हाइट कलर का आपको दिखाई दे रहा है, कमेंट करना कैसा लगा। उसके अंदर इसके अंदर भी एक इमोट होने वाला है, जो कि आप देख पा रहे कार्ड के साथ शॉर्ट यूज़ किया जा रहा है, और
भाई ये भी नेक्स्ट लेवल आपका होने वाला, ठीक है। और लास्ट में भाई वो सिकल वाला बोल सकते लुक के साथ मचेटी आपको दिखाई दे रहा है, ये मचेटी काफी डेडली लग रहा है, इसको अपग्रेडेबल बना देना चाहिए था भाई, जैसे हम लोग का वेपन होता ना इसके साथ साथ अपग्रेडेबल होता ना, तो वन ऑफ द बेस्ट बोल सकते हो मचेटी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद M16 आपको देखने को मिलेगा, नॉर्मल गन होने वाला है। ऑनर के अंदर आपको QVZ का एक और स्किन देखने को मिलेगा, काफी सारा बोल सकते हो और भी स्किन होता है, और अपग्रेडेबल वाला तो M760 होने वाला है। मॉली भी काफी खतरनाक है और आपको ग्रेनेड भी दिखाई देगा, तो ये जो दोनों स्किन है ना ये ऑटोमेटिकली अपग्रेडेबल कन्वर्ट हो जाएगा जब आप M760 को किल फीट तक लाते हो। और ये विंगमैन देखो भाई क्या नेक्स्ट लेवल है, हालांकि ये विंगमैन ऐसा नहीं मिलने वाला, कलेक्शन पूरा करना पड़ेगा तब जाके आपको ये विंगमैन मिलने वाला, और ये वन ऑफ द बेस्ट विंगमैन एग्जिस्ट करता है बोल सकते हो ग्लोबल वर्जन में, ठीक है। कितना खतरनाक इसका लग रहा विंग्स सब, और उसके साथ साथ आप देख पा रहे हो हम लोग इसका कुछ टाइटल भी मिलने वाला अगर आप इसका कलेक्शन पूरा कंप्लीट करते हो तो, और पैराशूट वो सब भी आपको देखने को मिल रहा था। ओवरऑल ऑनर का मैं आपको कंप्लीटली सब कुछ दिखा दिया, आउटफिट का 3D लुक एंड वेपन का 3D लुक हम लोग का जैसे ही ऑनर के स्पिन पास आ जाएगा तो वापस से हम लोग देख लेंगे, ठीक है, उस टाइम वो आ जाएगा। तो आज के वीडियो को हम लोग इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।